जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा। जिन भाई बंधुओं ने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है दोस्तों, थोड़ा सा सर्वर बिजी है तो आज से लगाकर कल तक आप आसानी से अपना रिजल्ट देख पाएंगे। ठीक दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों का रिजल्ट तो दोस्तों बहुत अच्छा आया है, पर फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने दोस्तों लापरवाही की है जिसके कारण रिजल्ट दोस्तों बहुत ही खराब है, क्योंकि लगभग 90,000 लोगों में से लगभग 38-39,000 लोग पास हुए हैं। क्या 39,000 लोग लगभग पास हुए दोस्तों, और 50,000 के आसपास लोग लगभग फेल हो गए, यानी कि दोस्तों रिजल्ट तो बहुत खराब है। जो पास हो गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और दोस्तों वो अपनी तैयारी जिस प्रकार कर रहे हैं उसी प्रकार दोस्तों अच्छे से करते रहें और अपनी मेहनत दोस्तों जो की है उनकी मेहनत रंग लाई है। पर जिन्होंने लापरवाही की है या किसी कारणवश आप फेल हो गए हैं, आपके रिजल्ट में असफल लिख के आ रहा है, फेल लिख के आ रहा है दोस्तों, अभी भी वक्त आपके पास है कि आप उस फेल को हटाकर उसकी जगह पर पास लिखवा सकते हैं। पर वो कैसे पॉसिबल होगा, वो कैसे संभव होगा जब आप मेहनत करेंगे। आज दोस्तों मैं आप सभी मित्रों के साथ जो आपके प्रश्न हैं, बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के दोस्तों उत्तर लेके आया हूं। ध्यान समझिए, जो भाई बंधु एक सब्जेक्ट में फेल हैं क्या उनका सेमेस्टर बैक हो जाएगा, जो भाई बंधु दो सब्जेक्ट में फेल हैं क्या उनका सेमेस्टर बैक होगा, या तीन से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं क्या उनका भी सेमेस्टर बैक हो सकता है। बैक पेपर दोस्तों, किन्हें बैक पेपर देना होगा, ठीक है। फेल होने पर डीएलएड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं, ये प्रश्न भी आप लोगों के हैं कि यदि हम सर हमारे जो मार्कशीट है हमारे रिजल्ट पर दोस्तों यदि फेल होकर लिखा है सर, मैं उसका आगे के जो सेमेस्टर हैं, जो मैं सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहा हूँ, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं पेपर दे पाऊंगा, इस पर भी दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म, इस पे भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। एंड जो 12 नंबर पाने वाले हैं वो पास हैं या फेल, ठीक है, जो 25 में 12 नंबर पाए हैं वो पास हैं कि फेल हैं, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर दोस्तों आप लोगों की बैक जो है मैथ में लगती है, ज्यादातर भाई बंधु की जो बैक है मैथ में लगती है, फिर दोस्तों क्या साइंस में भी लग सकती है, संस्कृत में है, इंग्लिश में है, बाकी और सब्जेक्ट में भी लग सकती है, पर ज्यादातर दोस्तों जो बैक है मैथ और साइंस में लगती है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या बताता हूं कि एक सब्जेक्ट में फेल है या दो सब्जेक्ट में फेल है। यदि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में भी यदि फेल है तो आपके रिजल्ट में नीचे असफल यानी कि फेल लिखा होगा, ये निश्चित है। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल है तो रिजल्ट में जो आपका परिणाम फाइनल आया होगा उसमें आपका फेल लिखा होगा। पर घबराना नहीं है ना, परेशान होना, जिनके में जो एक सब्जेक्ट में फेल है या दो सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब दोस्तों क्या है, आपके यदि 25 नंबर से, जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें 12 नंबर से कम है, क्योंकि 25 नंबर वाले में ही ज्यादातर लोग फेल होते हैं, यदि उसमें आपके क्या 12 नंबर से कम हैं तो ही दोस्तों आप फेल होंगे। यानी दोस्तों जो 12 नंबर पाने वाले हैं वो सभी भाई बंधु पास हैं। तो ये एक लास्ट वाला पॉइंट दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है कि 12 नंबर पाने वाले ही हमारे भाई बंधु पास होंगे, 12 नंबर से यदि आपके कम होंगे तो दोस्तों आप उस सब्जेक्ट में फेल माने जाएंगे, ठीक है। यदि आपके 12 नंबर हैं यदि मैथ में या साइंस में या जिस सब्जेक्ट में आप फेल, आपको लगता है कि सर हमारे 12 नंबर तो हम फेल होंगे कि पास होंगे, तो 12 नंबर वाले दोस्तों पास हैं। और दोस्तों जिनके में एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में बैक लगा है, जिनके में एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में बैक लगा है दोस्तों, तो उनका सेमेस्टर बैक नहीं होगा। क्या वो सेमेस्टर बैक नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है अभी बताता हूं। जिनके में तीन या तीन से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं, तीन या तीन से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं, उनका दोस्तों सेमेस्टर बैक हो जाएगा, सेमेस्टर दोस्तों क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। बैक होने का दोस्तों मतलब क्या है, मतलब आप सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दे पाएंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और जो थर्ड सेमेस्टर है वो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यानी कि दो सब्जेक्ट से अधिक यदि में आप फेल हैं तो दोस्तों आप अगला जो जिस जो सेकेंड सेमेस्टर की जो तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर की जो तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, यानी आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर बैक हो चुका है।
जिनके तीन सब्जेक्ट में फेल हैं, उन्हें उस सब यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आप तीन सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पुनः एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि जो कुछ अब तक किया सब किए किराए पे पानी फेर गया, आपको पुनः उतनी ही मेहनत करनी होगी, उन्हें सभी पेपरों के एग्जाम आपको पुनः देना पड़ेगा। तो भले डीएलएड का सिलेबस बहुत आसान है, बहुत अच्छा आसान सिलेबस आपका है, फिर भी आप यदि फेल हो रहे हैं यानी कि आपकी लापरवाही उसमें है, आपने अच्छे से तैयार नहीं किया दोस्तों। तो ये बात क्लियर होगी ना कि फेल होने पर डीएलएड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं। कौन दे पाएंगे दोस्तों? जिनके दो सब्जेक्ट में यानी कि एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में फेल हैं, वो ही दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दे पाएंगे। और जो फ्रेश है यानी कि जो पास है वो तो देंगे ही देंगे, पर अब वो करेंगे क्या जो एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में फेल है? दोस्तों अभी स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा लगभग एक महीने के बाद, तो स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। पर दोस्तों स्कूटनी का फॉर्म भरने पर बहुत कुछ होता नहीं है, विशेष कोई फर्क पड़ता नहीं, फिर भी आप भर सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जरूर भरिएगा स्कूटनी का फॉर्म जिसके में से एक नंबर से कोई फेल हो रहा, दो नंबर से फेल हो रहा, किसी के 11 हैं, किसी के 10 हैं, बहुत लोगों के 11 10 हैं, तो वो भर सकते हैं। पर दोस्तों आपको क्या डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके में दो सब्जेक्ट में बैक लगी है या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जिनके दो सब्जेक्ट में बैक लगी, वो सभी सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी तो करते ही रहें, साथ में जिन सब्जेक्ट में बैक लगी उनको भी पढ़ते रहें, उनको भी पढ़ते रहें। दोस्तों ध्यान समझिए, फर्स्ट सब्जेक्ट में यदि फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगती है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, या आपकी थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी उसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं। पर दोस्तों समस्या ये है, फर्स्ट वालों को तो कतई कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी जो हम एडमिशन चल रहे हैं 2023 में हुए, उनके जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएंगे उनके साथ उनके पेपर हो जाएंगे। पर जिनके थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों बैक लगी है उनके लिए दोस्तों समस्या है। समस्या क्या है? अब जब ये 2023 वाले थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तब आपको एग्जाम देने को मिलेगा, तो अभी भी वक्त है फोर्थ सेमेस्टर वाले खासकर ये अच्छे से तैयारी करें। जो पास हो गए या इनके में बैक लग जाती, मान लीजिए सब बंदा ढार, सब खराब, मामला बेकार, क्योंकि यदि वैकेंसी आ गई और आपके पे बैक लग गई तो आप बैठ नहीं पाएंगे। तो अभी भी वक्त है, आप अच्छे से सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करिए, और यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके बैक नहीं लगेगी। यदि डीएलएड में बैक लग रही है, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, यदि आपके में बैक लग रही है इतना आसान सिलेबस होते हुए भी, तो आप क्या जाकर पढ़ाएंगे, जाके बच्चों को सिखाएंगे जाके? इसलिए अभी भी वक्त है, आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए और क्या अपनी मेहनत को दिखाइए और अपना रिजल्ट बेहतर लाइए। यानी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। क्या जिनके में एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में फेल है, ठीक दोस्तों, वो क्या बैक पेपर देके अपना सेमेस्टर क्लियर कर लेंगे, उनका सेमेस्टर बैक नहीं होगा। वो यदि सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छे से करते रहें। पर जिनके में तीन या तीन से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं, उनका पूरा सेमेस्टर बैक हो गया, वह पुनः उस सेमेस्टर की तैयारी करें, ठीक है, समझ गया ना? सिर्फ एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में फेल होने वाले ही बैक पेपर दे पाएंगे, ठीक है, बात क्लियर होगा। स्क्रूटनी का फॉर्म भी दोस्तों आप भर सकते हैं, पर दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, स्क्रूटनी के भरोसे कतई मत रहिएगा। यदि वो कॉपी गलत चेक हुई होगी तभी नंबर दोस्तों बढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए आप अपनी तैयारी का दोस्तों जरूर करते रहें। और 12 नंबर पाने वाले दोस्तों पास है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। और जो लोग घबरा रहे हैं कि सर अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपने जो किया उसका परिणाम आपको देखने को मिल गया। अभी भी वक्त है, टाइम है दोस्तों, आप अच्छे से अपने जिस सभी सेमेस्टर में है उसकी अच्छे से तैयारी करिए, क्यों यदि आपने लापरवाही नहीं की होती तो इतनी ज्यादा संख्या में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में फेल नहीं होते। तो थोड़ा अपनी गरिमा में रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन करिए। ये नहीं कि लास्ट में हम एक महीने में 10 दिन में पूरा सेमेस्टर पढ़ लेंगे और पेपर दे आएंगे, ऐसा मत करिए, ऐसा करें। जिन्होंने किया है उनका परिणाम उनके सामने है, क्योंकि इतना आसान सिलेबस होते हुए भी बैक लग रही है तो बहुत शर्म की बात है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी मित्र ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। अच्छा, जिनके में बैक लग गई घबराइए नहीं, जो हो गया कोई बात नहीं, पर अभी भी वक्त है, आप तैयार हो जाइए, चेत जाइए, अपनी तैयारी को बेहतर करने का प्रयास करिए। अभी भी आपके पास समय है, टाइम है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यदि
आगे फिर से आपकी बैक लगती है तो आप क्या फिर डीएलएड ही करते रह जाएंगे, ना टेट दे पाएंगे ना सीटें दे पाएंगे, सिर्फ आप बैक ही करने करते करते टाइम आपका खराब जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ करिए कि आपके किसी भी सेमेस्टर में बैक ना लगने पाए। इतनी तो तैयारी आप कर लीजिए कि आप उस सब्जेक्ट में पास तो हो जाए, कम से कम शिक्षक बनने जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से आप तैयारी करेंगे और आप सब समझिए, मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जिससे आप सब समझ जाएं, अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं और अपना रिजल्ट अच्छे से बना पाएं, क्योंकि कॉलेज वाले तो आपको नंबर बहुत अच्छे देते ही हैं, पर आप लिखित में भी नंबर अच्छा ले पाएं, ला पाएं दोस्तों, तभी जाके आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। बैक ना लगे वही बेहतर है, पर लग गया है तो घबराइए नहीं, अच्छे से आप तैयारी जो कर रहे हैं जिस सेमेस्टर में उसकी तैयारी करते रहिए और पीछे भी देखते रहिए। ठीक दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, जिन्हें ये सारी जानकारी नहीं पता उन्हें भी पता चल सके। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।